द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी कर्नाटक में फिलहाल सरकार है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कुर्सी जो है वो, कर्नाटक की सत्ता जो है वो फिसलती जा रही है, क्योंकि लगातार कर्नाटक में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और ये झटका भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, चुनाव से पहले उसके विधायक नेता पार्षद जो हैं वो लगातार इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं और इसके साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक और बार बीजेपी को यहां पर झटका लगा है, बीजेपी के एक और विधायक ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लिया है। तो कर्नाटक में बीजेपी जो है वो मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव जीतने के लिए वो जीत तोड़ मेहनत कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जैसे ही इनके नेता जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी को बाय बाय कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकता है और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव परिणाम में भुगतना पड़ सकता है। खबर देखिए, खबर में लिखा है कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, विधायक गोपाल कृष्ण ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। तो यहां पर एक और विधायक ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कांग्रेस में शामिल होने की बात जो है उन्होंने यहां पर कह दी है। तो कर्नाटक में कांग्रेस जो है उसका पलड़ा लगातार भारी हो रहा है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाती हुई कर्नाटक में दिख रही है और बीजेपी को यहां पर मुश्किल से 60 से 65 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। खबर में देखिए लिखा है, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुटलीकी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एनवाई गोपाल कृष्ण ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी संभावना है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। गोपाल कृष्ण ने विधानसभा अध्यक्ष विशेश्वर हेगड़े कागेरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस्तीफा सौंपते वहां पर वो नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाती है, बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी का जो मतलब है वो सिर्फ विकास है, संघर्ष है और हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ विकास करती है, लोगों को सशक्त बनाती है और भ्रष्टाचारी जो है वो जरा सा भी हमारी पार्टी में नहीं है, भ्रष्टाचार जरा सा भी हमारी पार्टी में नहीं है। लेकिन जब उनके नेता इस्तीफा देते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया है, जिसके चलते हमें इस्तीफा देना पड़ा है। पिछले दिनों भी बीजेपी से कई लोग, कई नेता, कई विधायक जो है इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस का दामन जो है वो थाम चुके हैं। खबर में आगे लिखा है, खबरों के अनुसार उन्होंने हाल ही में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धार मैया से मुलाकात और चर्चा की थी। गोपाल कृष्ण पहले कांग्रेस में ही थे, वो चित्रदुर्ग जिले के मोला कलमुरू विधानसभा क्षेत्र से 4 बार, यानी कि 1997 में वो जीते, 1999 में, फिर 2004 में और फिर 2008 में वो चुनाव जीत चुके हैं। तो एक पावरफुल कैंडिडेट के तौर पर उनको देखा जा सकता है। वर्ष 2018 में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर वो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हें मोला कलमुरू के बजाय विजयनगर जिले के कुडलीकी से टिकट दिया, क्योंकि वरिष्ठ नेता शिरामुलू को मोला कलमुरू से मैदान में उतारा गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भी भाजपा के 2 विधान पार्षद पुतन्ना और बाबूराव चिचनसूर ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन जो है थाम लिया। आपको यहां पर बता दें कि पुतन्ना ने जब बीजेपी से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया है और इसी के साथ बीजेपी जमीनी मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, जिसके बाद उन्हें वहां से इस्तीफा देना पड़ा। आगे खबर में लिखा है, हाल ही में जद विधायक एस आर श्रीनिवास गुब्बी श्रीनिवास उर्फ वासु 27 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बृहस्पतिवार को कांग्रेस में शामिल जो है वो हो चुके हैं। शिव कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक लोगों की एक लंबी सूची है और आने वाले दिनों में इसे विभिन्न चरणों में सार्वजनिक किया जाएगा। तो यहां पर शिव कुमार जो है वो भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन शिव कुमार ने जो बात की है वो नोट करने वाली है। शिव कुमार ने यहां पर कहा है कि बीजेपी से कर्नाटक कांग्रेस में शामिल होने की एक लंबी सूची है जो समय पर सार्वजनिक रूप से जो है वो सामने आएगी। और ये सही भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी से जो विधायक है, पार्षद है, नेता है, वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। पुतन्ना की बात करें तो पुतन्ना भी एक पावरफुल पार्षद के तौर पर जाने जाते हैं, 3 से 4 बार का चुनाव वो वहां पर जीत चुके
चुके हैं बीजेपी में रहकर, और उसके बावजूद भी उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि कांग्रेस में जाने वालों की सूची जो है वो लंबी है और ये एक एक करके जो है वो सामने आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो कर्नाटक में किस तरीके से पिछड़ती जा रही है। एक सर्वे आया था, सर्वे में यह बताया गया कि बीजेपी को यहां पर 60 से 65 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं, और इसी के साथ कांग्रेस को लेकर यहां पर एक बड़ा दावा किया गया। एग्जिट पोल में कांग्रेस की जो है, कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया गया। कांग्रेस को 127 सीटें जो है वो मिलने का अनुमान है, जिसके साथ कांग्रेस वहां पर अकेले ही अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में जो है वो सक्षम साबित हो सकती है। अब आप देखिए कि एग्जिट पोल जो है वो भी सामने आ रहे हैं, और ये इक्का दुक्का एग्जिट पोल की बात नहीं है, तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जिसमें यही बातें कही जा रही हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि बीजेपी कर्नाटक में अपनी किस तरीके से साख बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है। चाहे आप ओपीएस का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप तमाम उन मुद्दों को ले लीजिए जिस पर बीजेपी जो है पहले ही ना कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हालत देखते हुए उन मुद्दों पर बार बार सोच रही है, लेकिन यह भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता विधायक चुनाव से ठीक पहले जो है एक एक करके इस्तीफे दे रहे हैं। और अगर शिव कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं, जो फिलहाल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिस तरीके से शिव कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता विधायकों की सूची जो है वो लंबी है और ये समय पर सार्वजनिक होगी, अगर ये सही है तो यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी यहां पर बुरी तरीके से हार भी सकती है। इसी के साथ एबीपी का एक सर्वे आ रहा है, एग्जिट पोल आ रहा है, जिसमें कई लोगों से, कर्नाटक के कई लोगों से, जनता से बात की गई है, और जनता ने अपनी राय जो दी है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये लिखा है कर्नाटक ओपिनियन पोल, कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, पड़े पोल ऑफ पोल्स के चौंकाने वाले आंकड़े। तो यहां पर देखिए जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया। इस ओपिनियन पोल में 24,760 लोगों की राय जो है वो ली गई है। ओपिनियन पोल कर्नाटक में सभी सीटों पर काम किया गया है। ओपिनियन पोल में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। इसके अलावा हम आपके लिए कई और एजेंसी के पोल के नतीजे भी लेकर आए हैं। सबसे पहले आप एबीपी सी वोटर का पोल देखिए, जिसमें कहा गया है इस ओपिनियन पोल में कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को 115 से 127 सीटें, जैसा कि मैंने आपको बताया 115 से 127 सीटें जो है कांग्रेस को कर्नाटक में मिल सकती है, जिसके बाद कांग्रेस को यहां पर किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कांग्रेस की अकेले दम पर यहां पर सरकार बन जाएगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिलने का जो है अनुमान है, जबकि जेडीएस की बात करें तो 23 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और अन्य की बात करें तो यहां पर 0 से 2 सीटें जो है वहां पर मिल सकती हैं। तो यहां पर बीजेपी अकेले दम पर तो चुनाव एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं बनाती दिख रही है। अगर किसी के साथ गठबंधन करती है और उसके बाद आंकड़ा पार कर लेती है तो हो सकता है कि वहां पर सरकार बन जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर कांग्रेस को जिस तरीके से बताया गया कि कांग्रेस को 115 से 127 सीटें कर्नाटक में मिल सकती है, अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी जो है यहां पर बुरी तरीके से हारने वाली है। इसी के साथ आपको पता है कि किस तरीके से लगातार एक के बाद विधायक, पार्षद और नेता जो है वो बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस लगातार जो है, कांग्रेस का पलड़ा कर्नाटक में भारी हो रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बीजेपी कर्नाटक में तहलका मचा हुआ है और लगातार उसके नेता विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।